वेलकम टू माय चैनल आसान जिंदगी। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं कौशलपुरी खरगापुर गोमती नगर में संकट मोचन हनुमान मंदिर। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर बहुत भव्य है और बहुत विशाल है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ आपको पूजा के लिए सामग्री और प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। मंदिर के अंदर भी चलेंगे, पुजारी जी से बातचीत भी करेंगे, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो आइए अंदर चलते हैं। जैसा कि इस प्रांगण में हमारे साथ इस मंडल के संरक्षक गण और पुजारी जी मौजूद हैं, हम एक एक करके उनसे एक एक सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले हम मनोज कनौजिया जी से पूछेंगे कि यह मंदिर कितना प्राचीन है और कब का बना हुआ है। ये मंदिर 2008 का बना हुआ है। अच्छा, 2008। तो इस मंदिर में मतलब बजरंगबली जी के अलावा और किन किन के दर्शन हो सकते हैं? राधा कृष्णा जी के हैं, माँ दुर्गा जी के हैं और शिव परिवार जी का है, शनि महाराज जी का, सिंधुधारी हनुमान जी का। अब हम अपने पास मौजूद पुजारी जी से पूछेंगे कि इस मंदिर की महिमा के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। पहली बात तो हमारे संकट मोचन धाम के पदाधिकारी हमारे माननीय अध्यक्ष जी रामरीख जी 2008 से बहुत मेहनत किया, सफलता की, उन्होंने मंदिर के लिए बहुत कर्मठशील व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक हमारा विचार है कि वो आगे ले जाना चाहते हैं, उनके सहयोगी सहपाठी वगैरह सारे के सारे लगे रहते हैं उनके साथ में कि हमारा सनातन धर्म कितना आगे जाए। और ये 2008 से बना मंदिर शंकर मोचन धाम सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है। जो यहाँ मनोकामना मांगता है आदमी उसका पूर्ण हवस हनुमान जी करते हैं। इसके आगे हमारे मदराल जी भी मंदिर के बहुत सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, संरक्षक महोदय हैं, और हमारे रामरीख जी अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत अच्छा धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने आए दादाजी हमारे भक्त हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इस मंदिर के बारे में जरा दो शब्द बताएं। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आप यहाँ रेगुलर आते हैं, आपके पड़ोस का मंदिर है, तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ हमें बताइए। रेगुलर का मंदिर जब शुरुआत में जब बना है सर, तब से हम जड़ से हनीमा। अच्छा। समदान से लेकर अभी तक। अच्छा। मतलब इतना भव्य, मतलब का इतना महत्व है अपने मंदिर के, यार इतनी भीड़ लागत है हर मंगल शनिवार में भी, आप पुजारी जी बहुत बड़ी भीड़ लागत है, यहाँ लाइन तक लागत है। बिल्कुल, और हर माह लगभग भंडारा होते है, ठीक है। और इनके जो संरक्षक हैं मनलाल जी, टी एस मनलाल जी, वे हमारे जो है बहुत कर्मठ हैं,
और अध्यक्ष हैं रामजीत सिंह जी, बहुत कर्मठ हैं। बस अभी नहीं उन्हीं की देन है, या सब समझ लो जितना मतलब विकास हुआ है तो उन्हीं की देन है। ठीक है, तो जैसा कि इस मंदिर के वीडियो को आपने देखा और यहाँ के लोगों को आपने सुना भी, बड़ा ही भव्य मंदिर है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है, तो आपको जब भी मौका मिले इस मंदिर को दर्शन करने आप जरूर आइए। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है।